हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आहूजा के ऐसे मशीन जो कि हर एक डीजे वाले भाई के पास रहता है। तो चलिए आज इसका फुल रिव्यू लेंगे, कितना हॉर्न चलेगा, कितना स्पीकर चलेगा, सारा आज बात करने वाले हैं। इसका फुल रिव्यू कैसे चलाना है, कितना देने पर ओवरलोड नहीं मारेगा, आज सारा बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोगों को सारा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अभी तक वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज इसका फुल रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, इसका मॉडल नंबर आहूजा SS100M, ठीक ना। तो इसका सबसे पहले RMS पावर देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि 100 वाट है, ठीक ना। मैक्सिमम पावर 130 वाट है, ठीक ना। 5 माइक चलेगा इसमें, ठीक है, और 2 ऑक्स जो कि पीछे साइड है, अगले साइड में स्विच है इसका, ठीक है। और इसका बेस कंट्रोल के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स, ट्रेबल कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, और एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें मास्टर वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए उसके बाद ये देखते हैं स्पीकर आउटपुट, ठीक है। स्पीकर आउटपुट है फ्रेंड्स 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, और हॉर्न के लिए है 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई है फ्रेंड्स AC 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं DC में है फ्रेंड्स 24 वोल्ट डबल कार बैटरी, जो कि 24 वोल्ट 12+12 वोल्ट जो कि डबल कार बैटरी लगेगा तब चलेगा, ठीक है। अक्सर कोई बैटरी से चलाता ही नहीं है, सब तो AC से ही करता है, 220 से 240। अब इसके वेट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, 10.5 kg है, ठीक है। तो चलिए अब इसका लोड के बारे में जानते हैं हम लोग, तब उसके बाद लास्ट में प्राइस में जानेंगे, ठीक है, प्राइस कितना है इसका। सबसे पहले इसका जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि मैक्सिमम पावर इसका कितना है। मैक्सिमम पावर तो आप लोग को पहले बता दिए हैं, 130 वाट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग को स्पीकर के बारे में थोड़ा पहले जानते हैं। स्पीकर फ्रेंड्स आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि 12 इंच का स्पीकर इसमें चलाइए, ठीक ना। 15 इंच का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मशीन जलने का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। 12 इंच का स्पीकर चलाइए आप लोग, 130 वाट है। अगर दो स्पीकर चलाना चाहते हैं तो 60-60 वाट के करके चलाइए आप लोग, दो स्पीकर 12 इंची अच्छा से चलेगा। अगर एक स्पीकर चलाते हैं, ठीक ना, तो आप लोग चलाइए 8 ओम में, ठीक है, 8 ओम में चलाइए एक स्पीकर, जो कि 120 वाट का स्पीकर आता है 12 इंची का, ठीक है, वो चलाइए। और 60 वाट का दो स्पीकर चलाना है तो आप लोग 4 ओम में चलाना है, ठीक है, क्योंकि एक स्पीकर होता है 8 ओम का, पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो 4 ओम का हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हॉर्न के बारे में, ठीक ना। हॉर्न जैसे कि प्लान यूनिट है, प्लान यूनिट चलता है 16 ओम का होता है, ठीक है, कितना ओम का होता है, 16 ओम का। दो यूनिट चलाना है तो आप लोग को 8 ओम में, ठीक है, 16 ओम का होता है, दो यूनिट चलेगा 8 ओम में और 4 यूनिट चलेगा 4 ओम में, ठीक ना। तो उतना नहीं ज़बरदस्ती करना है आप लोग को, ठीक ना। अगर कहीं बेचैन से हो गया कि 4 हॉर्न चलाना है चल जाएगा, लेकिन इतना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ठीक ना। आप लोग 2 हॉर्न चलाइए प्लेन यूनिट में। और अब बात करते हैं LMT यूनिट, जो कि 70 वोल्ट और 100 वोल्ट में आता है, ठीक है। 70 वोल्ट 100 वोल्ट में कम से कम आप लोग 3 हॉर्न आराम से चलेगा, जो कि 40 वाट का है, ठीक है, 40 वाट का, जो कि 100 वोल्ट होता है, ठीक, वो आप लोग 3 हॉर्न चलाइए आराम से चलेगा। और कहीं भी 4 हॉर्न भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज इसका प्राइस के बारे में जानते हैं हम लोग। प्राइस इसका मात्र है फ्रेंड्स 10,000 से 11,000 के बीच में है, ठीक है। 10,000, पिछले साल तो 9,000 था, लेकिन अब 10,000 से 11,000 के आसपास हो गया है, क्योंकि आहूजा का ब्रांडेड मशीन काफ़ी तेज़ी से पैसा ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।